जय हिंद दोस्तों। अभी खबर के लिहाज से ये पता चला है कि अगर जो भी कैडिट पैरा ट्रूपर में एंट्री करना चाहते हैं उनका डायरेक्ट अब एंट्री होगा। खबर के लिहाज से जैसे ये पता चला है कि अगर आप लोग कोई भी डिफेंस में अगर पहले जैसे इंडियन आर्मी, CRPF, BSF, ITBP किसी चीज़ में भी, पुलिस किसी चीज़ में भी आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपका मार्कशीट जो मेरिट लिस्ट होता है जिससे बनता है, उस मेरिट लिस्ट में आपका जो एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में 50 नंबर से ऊपर होना चाहिए और फिज़िकल में करीब 80 से ऊपर होना चाहिए। जो फिज़िकल हमारा 100 नंबर का होता है वो 80 से ऊपर होना चाहिए। उन लोगों को ही कैडिट लोग को डायरेक्ट भेजा जाता है पैरा ट्रूपर के लिए, अगर वो जाना चाहते हैं तो। अगर पैरा ट्रूपर के सिलेक्शन के लिए फिज़िकल होता है, जिस फिज़िकल में आप लोग को कुछ एग्ज़ाम यानी फिज़िकल एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे में कि पहला होता है 1 मिनट में 40 पुशअप्स, ठीक है, और 2 मिनट में 80 सीटअप्स। ये मैं इस फोटो इस वीडियो का लास्ट में मैं दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट में 40 पुशअप्स मारना है और 2 मिनट में 80 सीटअप मारना है, और 14 ठो यानी 14 चिली यानी बीम मारना है, ठीक है, चिलप मारना है बीम, ठीक है, 14 ठो, उसका कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को 20 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करना है, वो भी हो सके तो करीब 17 बैटल लोड के साथ होगा, यानी 10 किलो को बैग होगा और 1-7 किलो का हथियार होगा, इसके हिसाब से भी हो सकता है। इसको लेकर इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को, अगर आप लोग ये सब कर लेते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट पैरा ट्रूपर्स में ट्रेनिंग के लिए यानी जो 90 दिन का ट्रेनिंग होता है उसमें आप लोग को सेलेक्ट के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे या इसके ऊपर और कुछ चीज़ चाहिए, खबर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।